हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व कर रहे थे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर के हैं, वो आपके आईसीटी से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपका नेक्स्ट है एएलयू। तो एएलयू आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो सीपीयू की एक क्रूशियल यूनिट है। ओके, इसके बाद आपका है आर्पानेट। आर्पानेट का मीनिंग है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद आपका है एएसपी। एएसपी का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। नेक्स्ट आपका है एटीएम। एटीएम मींस आपका है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, या आप कह सकते हो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड आपकी एक ये डेटा ट्रांसफर करने का मोड है, और जबकि आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपकी एटीएम मशीन है जिससे मनी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके इतने जो टर्म्स थे रिलेटेड टू आईसीटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ए से स्टार्ट थे। नेक्स्ट आपका है जो टर्म्स बी से स्टार्ट होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका है बीबीएस। बीबीएस का मीनिंग है बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बीसीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीसीसी का मीनिंग क्या है। तो बीसीसी का मीनिंग है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। नेक्स्ट आपका है बीसीआर। बीसीआर का मतलब है बार कोड रीडर। फिर है बीडी। बीडी मीन्स है ब्लू रे डिस्क, ओके। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बायोस क्या है, BIOS, इसका मीनिंग है बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉरी, ठीक है। बीसीसी का मतलब है, BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों आपके काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पूछे गए एग्जाम्स में है। नेक्स्ट आपका है भीम, BHIM। तो जो भीम ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसको लॉन्च किया है, ये आपका एक इंटरफेस है जिससे इंस्टांट आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग आधार कार्ड, ठीक है। तो भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके। इसके बाद आपका है बिट। तो बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। उसके बाद है BPI, इसका मीन्स है बिट्स पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट है BPL। BPL का मतलब है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। इसके बाद है BPS, इसका मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फुल फॉर्म्स थी या वर्ड्स थे, ऐसे टर्म्स थे रिलेटेड टू कंप्यूटर या ICT जो बी से स्टार्ट थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे टर्म्स जो सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं। तो ये आपके टर्म्स हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। इसमें आपका है CAD। ये CAD का मीनिंग होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ओके। इसके बाद है ये आपका जो भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज CAD का बहुत ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है CAE का मीनिंग है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ओके। नेक्स्ट आपका है CAM, इसका मीनिंग होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है CC। CC मीन्स है कार्बन कॉपी, ओके। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर आपका है CDAC। CDAC आपका इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ओके। इसके बाद आपका है CDMA। CDMA का मीनिंग होता है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, या कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके। इसके बाद आपका है CDRW, इसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। तो ये आपका रीराइटेबल है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद है CGI, इसका मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसके बाद है CLI, कॉमन लाइन कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो आपका CGI और CLI दोनों में डिफरेंस है। CGI मींस है कॉमन गेटवे इंटरफेस, CLI का मीनिंग है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके बाद है CPS, तो इसका मतलब होता है करेक्टर पर सेकेंड। उसके बाद है CPU, तो CPU बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिस तो ये आप लोग सब लोग जानते होंगे। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है CPU में C का मतलब क्या है, तो CPU में C का मतलब होता है सेंट्रल। नेक्स्ट है CRT मीन्स कैथोड रेज ट्यूब। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट, और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इतनी सारी जो फुल फॉर्म दे रखी है ICT के रिगार्डिंग, इसमें से आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे कोई सा एग्जाम हो आपका, चाहे वो SSC का हो, चाहे आपका UPSC का हो, चाहे RRB NTPC हो, या ISRO का हो, या फिर आपका TETCS
या फिर आपका सीटेट या एनटीए नेट का हो, सभी में 5 या 6 क्वेश्चन इससे आईसीटी से तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं और ये आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएं, यही हमारी कोशिश है। इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करके नोट डाउन कर लेना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, इससे आपके ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डीबी। डीबी का मीनिंग होता है डेटाबेस। उसके बाद है डीबीए। डीबीए का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर है डीबीएमएस। डीबीएमएस का मीनिंग है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका है डीडीआर एसडीआरएएम, तो इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट एसडीरैम, ठीक है, ओके। डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट आपका है डीएचटीएमएल, इसका मतलब होता है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आपका है डीएमए। डीएमए का मीनिंग होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है डीएनएस, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीओएस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीपीआई का मीनिंग है डॉट पर इंच। डीरैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीएसएल का मीनिंग है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। उसके बाद है डीएसएन। डीएसएन का मतलब होता है डेटा सोर्स नेम। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ओके। इसके बाद आपका है डीवीडी आर, इसका मतलब होता है डीवीडी रिकॉर्डेबल। डीवीडी रोम का मतलब होता है डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है डीवीडी आरडब्ल्यू, इसका मतलब है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीराइटेबल। डीवीआर का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये आपके डी से स्टार्ट होने वाले टर्म्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके ई से स्टार्ट होने वाले टर्म्स हैं। ई से स्टार्ट होने वाले टर्म्स आपके हैं ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई डी ओ आर ए एम का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ई डी पी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई एक्सी का मीनिंग होता है एग्जीक्यूटेबल, ओके। तो ये आपके ई से स्टार्ट होने वाले आईसीटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वो तो ये मेरी कोशिश है कि ये क्वेश्चंस आपके सभी सही हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एफएटी मींस होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एफएक्यू का मीनिंग होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और एफडीडी का मीनिंग होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आपका है एफडीडीआई मींस होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद आपका होता है एफएलओपीएस, इसका मीनिंग होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट आपका एफटीपी, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एफएक्सपी फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपके टर्म्स जो जी से शुरू होंगे उनके बारे में बता रहे हैं। जीएआरवी का मीन्स है ग्रामीण विद्युतीकरण। जीबी का मतलब है गीगाबाइट। जीबी का मतलब है गीगाबाइट, ठीक है। स्मॉल जीबी का मतलब है गीगाबाइट और कैपिटल जीबी का भी यही मतलब है गीगाबाइट। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एचडीडी, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद है एचडीडीवीडी, इसका मतलब होता है हाई डेफिनेशन डीवीडी। एचटीएमएल मींस है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपके आई से स्टार्ट होने वाले टर्म्स हैं IIAS। IIS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। IBM का मीनिंग है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ICMP मींस है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICT मींस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है ICR इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। IE मींस है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट आपका IGMP मींस इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IIS। IIS मींस है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आपका है IM। IM का मीनिंग होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMEI मींस है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट। IP मींस है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPC मींस है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPTV मींस है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन।
नेक्स्ट है IRC इंटरनेट रिले चैट, ओके। तो ये आपके आर से स्टार्ट, आई से स्टार्ट होने वाले ICT के रिगार्डिंग आपके टर्म्स थे, ओके। इसके अलावा IRCT का मीनिंग है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। IRCTC का मीनिंग है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IS का मीनिंग है इंफॉर्मेशन सिस्टम। IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट आपका ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISP मीन्स है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आपका है IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी वर्ड आपके IT आई से स्टार्ट होने वाले थे, ओके। नेक्स्ट आपका है J से स्टार्ट होने वाले, तो इसमें ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ही है बस, ओके। इसके बाद K से स्टार्ट होने वाले टर्म्स हैं किलोबाइट, किलोबाइट पर सेकेंड, किलो हर्ट्ज, बस, ठीक है। इसके बाद आपका L से शुरू हो रहे हैं, तो L से आपके स्टार्ट होने वाले लेटर हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट आपका है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नेक्स्ट आपका है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये आपके सभी लाइट L से स्टार्ट होने वाले शब्द थे, ओके। इसके बाद आप देखिए LIC है लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद LPM लाइंस पर मिनट, LSI मींस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद आपका M स्टार्ट हुआ है MAC, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB होता है मेगाबाइट, MB होता है मेगाबाइट, MEITY होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका है MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है ME मींस मिलेनियम एडिशन। नेक्स्ट आपका है MICR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में यूज किया जाता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका MIDI मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS मतलब है MIPS का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIME मींस है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट आपका है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट आपका है MOS मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MS-DOS मींस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MEU मींस मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट आपका है NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है NIC मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है NNTP मींस नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट आपका है NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है NPS मींस नेटवर्क्ड NPS मींस नेशनल पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका है NT यानी न्यू टेक्नोलॉजी। NT मींस है न्यू टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपका O से स्टार्ट हो रहे हैं OLE मींस ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OLR मींस OCR मींस ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। OMR मींस ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर। नेक्स्ट आपका है OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। OOS मींस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ORS मींस ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। OTP मींस वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है P से स्टार्ट होने वाले ICT के टर्म्स। तो ये आपके हैं पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, P2P पीयर टू पीयर, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है PC, तो इसका मीनिंग है पर्सनल करेक्टर। PCI मींस पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है PDA मींस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट आपका PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PDF मींस पर्सनल डेटा फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका है सेक्शन, आपका नेक्स्ट जो है इसके बाद P से होने के बाद Q से स्टार्ट होने वाले आपके शब्द होंगे। तो पहले P के में और रिमेनिंग है, इनको देख लेते हैं।
पीएलए मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पीओपी मींस होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओएस मींस होता है पॉइंट ऑफ सेल, पीपीआई होता है पिक्सल्स पर इंच, पीपीपी होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीएसके होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीपीटीपी होता है पॉइंट टू पॉइंट टर्निंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है पीरोम मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है पीएसटीएन मींस पब्लिक स्विच्ड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन स्विच्ड नेटवर्क। ओके, तो ये आपके पी से स्टार्ट होने वाले आईसीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके शॉर्ट टर्म्स। नेक्स्ट आपके क्यू से स्टार्ट होने वाले हैं, क्यूओएस मींस होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्यूआर होता है क्विक रिस्पांस, ठीक है, बस यही दो आपके क्यू से स्टार्ट होने वाले टर्म हैं। नेक्स्ट आपका है आर से स्टार्ट होने वाले, तो आर से स्टार्ट होने वाले आपका है रेड यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट आपका है आर ए एम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आपका है आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आरडीबीएमएस मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका है आरडीबीएमएस हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका बीपीए आरपीए सॉरी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए आपका है आरपीओ है रीजनल पोस्ट ऑफिस ऑफिस पोस्ट पोर्ट ऑफिस। नेक्स्ट आपका आरडीआरएएम मींस रंबस डायनामिक रैम। नेक्स्ट आपका है रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है आरटीजीओएस मींस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपका आरटीओएस है। ओके, नेक्स्ट आपका है उमंग, तो उमंग आपका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये आपका उमंग की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका है यूएसएसडी मींस अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। इसके बाद आपका है वी से स्टार्ट होने वाले आईसीटी के रिगार्डिंग जो टर्म्स हैं वो, तो सबसे पहला है वीडीयू मींस विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट आपका है वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट आपका है वीलैन मींस वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट आपका है वीएमई मींस वर्चुअली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है वीओआईपी मींस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा आपका वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट आपका वीआर मींस वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या है। ओके, फिर आपका है वी के बाद डब्ल्यू से, डब्ल्यू में आपका है डब्ल्यूएआईएस मींस वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेस। नेक्स्ट आपका है वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वैप है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी। वाई मैक्स मींस वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, ये आपका वाई मैक्स की फुल फॉर्म है। वाई मैक्स का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका है WWAN वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नेक्स्ट आपका है XHTML मींस एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट आपका है वाई से मींस YB मींस यत्रा बाइट। ओके, लास्ट आपका है ZB मींस जियो बाइट या जेट्टा बाइट, जेड आपका है जेट्टा बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो टर्म्स थे आईसीटी के रिगार्डिंग या कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो टर्म्स थे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में आए जाएं तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके करीब 5-6 क्वेश्चन आपके नेट हो, चाहे वो सीटेट हो या फिर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम है उसमें 5-6 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। वो आप सभी क्वेश्चन अच्छे से कर डालो ताकि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हों, ठीक है, और आप अच्छा कर सको, ठीक है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की, SSC टीचिंग के रिगार्डिंग, TGT PGT इंडिया नेट सीटेट, तो उन सभी को शेयर कर देना। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर CCC का सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन जितने मैंने सेंड किए हैं ये आप क्वेश्चन सभी देख लोगे तो इसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो NIELT या PGDCA की तैयारी वैयारी कर रहे हैं तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये शेयर जरूर कर देना, ठीक है।
ठीक है। तो थैंक यू।